बंगाल में बदलाव की वायर चल चुकी है। पहले वाम दलों फिर भाजपा को बंगाल में चारों खाने चित करने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी कैबिनेट में बड़े बदलाव किए हैं। इस लिस्ट में कभी भाजपा तो कभी टीएमसी में आने जाने वाले बाबुल सुप्रियो को बड़ा तोहफा मिला है। बुधवार को राजभवन की ओर से मंत्रिमंडल में फेरबदल की गई, नई लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का कद बढ़ गया है। बाबुल सुप्रियो को आईटी विभाग के साथ साथ औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं चंद्रिमा भट्टाचार्य को पर्यावरण विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। राजभवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक सिंचाई विभाग के नए मंत्री मानस भुइया हैं, वो जल संसाधन विकास विभाग के मंत्री थे। उन्हें अब सिंचाई और जल परिवहन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का भी कद बड़ा है, वो वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग और भूमि सुधार विभाग के राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा वो वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं। अब उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है, चंद्रमा पर्यावरण विभाग की नई मंत्री हैं। पर्यावरण विभाग के मंत्री गुलाम रब्बानी थे, उनका विभाग बदल दिया गया है, उन्हें ऊर्जा विभाग का प्रभार मिला है। बाबुल सुप्रियो की जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी गई हैं। तृणमूल विधायक बनने के बाद उन्हें आईटी विभाग दिया गया है, इस बार उन्हें औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि राज्य में पिछले कई दिनों से मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें चल रही थी। इस बाबत राजभवन को राज्य सरकार की ओर से एक सूची भी भेजी गई थी, लेकिन मंगलवार को इस पर राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली थी। अब बुधवार को राज्यपाल के फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद नई लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि जेल विभाग की जिम्मेदारी किसी को नहीं दी गई है, यानी फिलहाल ये विभाग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में रहेगा। हाल ही में अखिल गिरी ने उस विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। विवाद इस पद टिप्पणियों के लिए तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने उन्हें इस्तीफा देने का आदेश दिया था। उस विभाग में किसी नए व्यक्ति के नाम की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक नवान की ओर से कुछ ही दिनों में नए मंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। दो साल बाद बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी हैं। अब ऐसे में देखना यह भी है कि जिन विधायकों को मंत्रालय मिला है वो बंगाल की जनता के लिए कितना काम करते हैं।